लेकिन आज का हमारा टॉपिक रिवाइज करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इसके लिए हमने सेलेक्ट किया है जनाब एक सवाल वो जो पास पेपर से है, और ये जनाब क्वेश्चन है अटैम्प्ट जनाब ये सितंबर 2021 सितंबर 2021 सितंबर 2021 का सवाल है और क्वेश्चन नंबर है ये एफ ए आर वन का सवाल सितंबर 2021 की अटैम्प्ट और क्वेश्चन नंबर है जी एट क्वेश्चन नंबर है जी एट नहीं जनाब रिक्वायरमेंट अगर हम देखें इसकी लुक एट द रिक्वायरमेंट ऑफ़ द क्वेश्चन और रिक्वायरमेंट वही है जी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर हंड्रेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन वही रिक्वायरमेंट जो नॉर्मली रिक्वायरमेंट हुआ करती तो so क्या करेंगे जनाब हम तो so सबसे पहले जनाब हम फॉर्मेट बना लेंगे रिक्वायरमेंट का दो रिक्वायरमेंट है हमारे पास एक है जनाब हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा है एसओ एफ पी तो रिक्वायरमेंट ए रिक्वायरमेंट ए क्लब का नाम है जनाब सीरस गोल्फ क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दर एंडिंग इंडिंग है जनाब इकतीस दिसंबर 2020. हजार बीस लेनाडिंग आ गई इसके बाद है, हमारे पास मेन हेडिंग इनकम दो तीन लाइन छोड़ दें टोटल चार पांच और उसके अलावा बाद लिखी जी एक्सपेंडिचर

of financial position as at 31st december 2020. they are exempted liquidity non-current assets. current assets फंड, लायबिलिटीज़, rupees are in thousand फॉर्मेट बन गया कर लिया मैं तुमने हो गया था आसान ही था मैं देखा था हो गया था ले जनाब सवाल को जनाब अगर हम शुरू करें स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉड एंड यू हैवीन साइन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द ईयर एंडी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी द मैनेजमेंट ऑफ द सी जी सी हैज गिवन यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कहता है जनाब स्टोरी जरा थोड़ी सी ये है कि अकाउंटेंट साहब ने गेम जो है वो फ्रॉड हो चुका है और अकाउंट्स भी नहीं है और आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है और आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ठीक हो गया जी ले जाओ अब क्या करना है हमने बिल्कुल वही पुरानी अप्रोच इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएं जहाँ पर उसकी जगह बनती है उसको वहां पर लिखते जाएं वंस यू कंप्लीट द पोस्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके बाद देखेंगे क्या चीजें किस तरह से सॉल्व हो सकती है तो स्टार्ट विद कहता है जी कैश एंड बैंक बैलेंस एट फर्स्ट जनवरी यानी कि ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक तो आप ओपन कर सकते हैं इकट्ठा ही निकाल कर लें इसको इन कैश एंड बैंक अकाउंट कैश एंड बैंक और क्या कह रहा जी ओपनिंग बैलेंस है आपके पास कितना पॉइंट फाइव मिलियन यानी कि पाँच लाख एक और दो मिलियन एक टू पॉइंट फाइव मिलियन बन गया है जी इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख लूँ ओपनिंग बैलेंस रुपीज इन थाउजेंड पच्चीस सौ दोनों का मिला के कैश एंड बैंक बोथ है जी पाँच सौ जमा दो हज़ार तो टोटल ओपनिंग बैलेंस दोनों का आ गया कैश एंड बैंक 2,500। हाउवर, एज ऑन 31 दिसंबर 2020 देवर वाज़ नो कैश बैलेंस एंड रुपीस 4.2 मिलियन इज़ इन द बैंक। क्या था इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है ना, वो है। उस समय बता दिया जनाब। 4.2 मिलियन। चार हज़ार दोस्तों। लेट। साथ ही बैंक में जाएं, बैलेंस शीट में जाएं और करंट एसेट्स में इसको लिख दें पांच हजार दो सौ सॉरी चार हजार दो सौ दो। करंट बैंकेंड टू हंड्रेड चार हजार दो सौ जी इंफॉर्मेशन साथ सा लिखते जाएं, जहां जहां पर उसे जाना यही ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का कि आप जो जो इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएं <coughs> जैसे हम पहले किया करते थे जो जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ते जाए उसको रेलिवेंट जगह पे लिखते जाए ये पहली ढाई लाइन होगी आगे चलते हैं नंबर टू आर रिक्वायर्ड टू पे थ्री ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जी जनाब इसका मतलब है मेंबर जब क्लब ज्वाइन करेगा तो वो ज्वाइनिंग के वक्त तीन साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठी दे देते ठीक इसका मतलब है, जो मेंबर्स करंट ईयर में ज्वाइन करेंगे उनकी अगले दो साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो एडवांस में होगी कोई भी क्लब मेंबर किसी भी साल में ज्वाइन करेगा अप ऑन एडमिशन रिन्यूअल फुल ईयर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फॉर मेंबर ज्वाइनिंग ड्यूरिंग द ईयर जिसने इस साल ज्वाइन किया चाहे उसने साल के एंड पे ज्वाइन किया पूरे साल की सब्सक्रिप्शन चार्ज होगी यानी कि इन कंपनी की नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव आ रहा है जेंडर 2018 में 100 लोगों की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई साठ के हिसाब से तो पर ईयर 20 बनी 2019 में 140 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन दी पचहत्तर हजार के हिसाब से यानी कि पच्चीस हज़ार पर ईयर बनी और 2020 में 160 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन दी नब्बे हज़ार तीन सालों के यानी कि तीस हज़ार पर ईयर बनी ड्यूरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी टेन द सब्सक्रिप्शन टिल दस लोगों की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है इसका मतलब है उनको अवार्ड की गई एक साल की आफ्टर ईयर एंड फाइव मेंबर्स इनफॉर्म दैट दे है थ्री कुछ लोगों ने हमें ईयर एंड के बाद बताया कि उन्होंने तीन साल की सब्सक्रिप्शन दे रखी है इट वॉज फाइंड आउट दैट द अमाउंट वॉज द अकाउंटेंट दहता है जनाब हमें ये पता चला कि ये अमाउंट जो है वो अकाउंटेंट जिसपे हमारा फ्रॉड का इल्जाम हम लगा रहे हैं वो जनाब लेके निकल गए हैं जी तो क्या करें जी वर्किंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट जैसे जैसे स्टोरी आपको बता रहा है क्या बता रहा है जनाब कि 2018 में 100 लोगों के सब्सक्रिप्शन थे इसका मतलब है 2018 की सब्सक्रिप्शन 2019 और जब 2020 स्टार्ट होगा हम किस साल को देख रहे हैं हम ईयर एंडिंग 2020 को देख रहे हैं इसका मतलब है 100 लोगों की सब्सक्रिप्शन एक साल की एडवांस होगी ऐसे एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा ठीक ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितनी है जनाब <coughs> तो हम कहते हैं जनाब ये है सौ लोगों की एक साल इनटू पच्चीस हजार है ना हंड्रेड इनटू ट्वेंटी फाइव ऐसे ही बनेगा ना 2018 में उन्होंने सब्सक्रिप्शन दी ठीक <coughs> हो गया तो जब उन्होंने 2018 में सब्सक्रिप्शन दी तो हमारे पास पच्चीस हज़ार के हिसाब से एक साल की सब्सक्रिप्शन जो है पच्चीस के बीस साठ का मतलब बीस बीस हज़ार के हिसाब से हमारे पास सौ so लोगों की एडवांस सब्सक्रिप्शन तो कितनी बन गई जनाब उसको आप मल्टीप्लाई कर लें हंड्रेड इंटू ट्वेंटी थाउजेंड कितना बनता टू मिलियन इसका मतलब है दो हज़ार की एडवांस सब्सक्रिप्शन थी जब अकाउंटिंग शुरू हुआ ये 2018 के में जिन्होंने ज्वाइन किया फिर 2019 में जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनकी सब्सक्रिप्शन 2019 की एक को हो गई ठीक अब जब 2020 शुरू हुआ तो 2020 और 2021 की उनकी एडवांस सब्सक्रिप्शन थी इसका मतलब उनकी सब्सक्रिप्शन दो सालों की एडवांस थी और 2019 में 140 लोगों ने ज्वाइन किया और पचहत्तर हजार थी तीन सालों की इसका मतलब है पर मंथ बन गई पच्चीस हजार और पर ईयर बन गई पच्चीस हजार ठीक और ये एक साल हो गया और ये दो सालों की एडवांस एक सौ चालीस जरा पच्चीस हजार इंटू टू सात मिलियन की ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है सेवन मिलियन ठीक ये बात समझ आ गई आपको ये बड़ी छोटी सी बात है लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन है कहता जी जब भी मेंबर ज्वाइन करता है तो वो ज्वाइनिंग के वक्त इकट्ठी जो सब्सक्रिप्शन दे देता है वो तीन सालों की होती है तो थ्री ईयर सब्सक्रिप्शन ठीक इसका मतलब ये है कि जब 2020 शुरू हुआ तो जिन मेंबर्स ने 2018 में ज्वाइन किया उनकी एक साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस और जिन लोगों ने 2019 में ज्वाइन किया उन लोगों की दो सालों की सब्सक्रिप्शन एडवांस ठीक हो गया जना अब इस साल जो हमारे पास स्टोरी है वो ये है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी तो कैश कितनी रिसीव हुई कहता जी 160 लोगों ने ज्वाइन किया इस साल जी टोटल और एक बंदे से सब्सक्रिप्शन ली गई नब्बे और इसके अलावा कहते पांच और लोगों ने भी ज्वाइन किया जो हमें बाद में बताया गया पता चला और वो अमाउंट मिस अप्रोप्रिएट होगी इसका मतलब है टोटल जो है वो एक लोगों ने ज्वाइन किया वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव ठीक तो वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव लोगों ने ज्वाइन किया एक सौ पैंसठ और नब्बे हजार के हिसाब से इन्होंने आपको पेमेंट की तो टोटल कितना बन गया जनाब वन सिक्सटी फाइव इन नाइनटी वन फोर वन फोर एट फाइव जीरो इस साल जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की वो है 14,850 हजार आठ सौ पचास और एंट्री किया हुई कैश अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट फाइव जीरो चौदाह हजार आठ सौ पचास ठीक हो गया जनाब इसमें लिखा है एक लोगों ने इस दफा क्लब ज्वाइन किया और नब्बे हजार जो है वो एक बंदे से हमने सब्सक्रिप्शन ली और इसके अलावा वो आखिर में लिखता है कि पांच और लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन दी ये हमें पता तो बाद में चला लेकिन उन्होंने दे रखी थी ठीक इसका मतलब ये है कि जनाब स्टोरी ये है कि हमारे पास कि टोटल एक्चुअली एक सौ पैंसठ लोगों ने दी तो टेबल में एक सौ साठ लिखा है लेकिन नीचे अगर आप पढ़े एडजस्टमेंट जहां पे एंड हो रही है वहां पे वो क्या कह रहा है कहते हैं पांच और लोगों ने भी हमें बताया कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन दी थी इसका मतलब है टोटल इस दफा जो सब्सक्रिप्शन आई वो एक सौ पैंसठ मेंबर्स ने ज्वाइन किया नब्बे हजार के हिसाब से टोटल कैश जो हमने रिसीव किया इस साल थ्रू सब्सक्रिप्शन वो चौदह हजार आठ सौ पचास का इसका मतलब हमारी एंट्री क्या बनी कैश अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट विद वन फोर एट फाइव जीरो ठीक हो गया जी अच्छा जनाब इसके अलावा वो कहते हैं दस मेंबर्स बड़ी स्पेशल परमिशन पे उन्होंने ज्वाइन किया लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए इसका मतलब इसमें हमने उनको शामिल नहीं किया दस और मेंबर्स थे अगर आप देखें 10 ट्वेंटी ट्वेंटी टेन मेंबरशिप ऑन स्पेशल परमिशन लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं दी इसका मतलब है ईयर एंड पे उनकी सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीवेबल ऐसे ही है। तो कितनी आ गई पे रिसीवेबल एट द बल सब्सक्रिप्शन एट देंट दस मेम्बर्स और नब्बे हजार है तीन सालों की होती है तो उसको तीस हजार से मल्टीप्लाई कर देउेंड तीन लाख रुपए बन गया ऐसे ही इसका मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है वो तीन लाख है तो ये हमारे करंट एसेट्स में भी आता है इसको करंट एसेट्स में भी लिख लें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल थ्री हंड्रेड ये हो गया अब इसके बाद हम कहते हैं जनाब स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 2018 के जो लोग थे उन्होंने जब सब्सक्रिप्शन पे की 2018 में तो वो थी 2018 की 19 की और 20 की इसका मतलब है ये सौ लोगों की सब्सक्रिप्शन जो है ये दो हज़ार के एंड पे पूरी होगी इनमें कोई भी एडवांस नहीं पड़ा हो लेकिन दो हज़ार उन्नीस में जिन लोगों ने पे की एक सौ चालीस लोगों ने की भी तीन साल की सब्सक्रिप्शन थी तो वो दो हजार उन्नीस की थी दो हजार बीस की थी और दो हज़ार इक्कीस की थी इसका मतलब है ईयर एंड पे जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो वो किन किन मेंबर्स की है वो उन मेंबर्स की है जिन्होंने किया जिन्होंने 2019 में ज्वाइन किया जिन्होंने 2019 में ज्वाइन किया उनकी सब्सक्रिप्शन थी 2019 के लिए 2020 के लिए और 2021 के लिए इसका मतलब 2021 एक साल की इनकी सब्सक्रिप्शन जो है 140 मेंबर्स की वो एडवांस में सो so, 140 फोटी इन ट्वेंटी कितना आ गया जनाब ये <coughs> 3.5 मिलियन, 3,500 एक ही एडवांस आ गई फिर जिन लोगों ने 2020 में ज्वाइन किया इस साल वो कितने लोग हैं एक तो जिन लोगों ने 2020 में ज्वाइन किया वो एक लोग हैं इनकी सब्सक्रिप्शन कितने सालों की है ये भी तीन सालों तो की है तो ये 2020 की है 21 की है और 22 की इसका मतलब इन्होंने जो सब्सक्रिप्शन पे की वो दो सालों की एडवांस तो ट्वेंटी ट्वेंटी में जो मेंबर ज्वाइन किए उनकी सब्सक्रिप्शन एक सौ पैंसठ लोग ठीक और सब्सक्रिप्शन बनती है पर ईयर थर्टी थाउजेंड और दो सालों की है इंटू टू एक सौ पैंसठ जराब तीस हजार इंटू टू नाइन 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 ठीक हो गया जनाब तो ये सब्सक्रिप्शन जो है हमारी लाइबिलिटी भी है एडवांस सब्सक्रिप्शन तो इसको लाइबिलिटीज में भी लिख लें एडवांस सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन ये आगे पर दोनों को टोटल कर लें नौ हजार नौ सौ जमा तीन हजार पांच सौ तेरह हजार चार सौ जी तेरह हजार ये आ गई हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन जैसे हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो मेन एडजस्टमेंट हमेशा हुई है वो सब्सक्रिप्शन की हुई है अगर आप देखें हमने जितने भी सवाल किए वही ट्रेंड बरकरार है इस पेपर में भी मेन एडजस्टमेंट जो उसने ड्राफ्ट किया एग्जामिनर ने वो सब्सक्रिप्शन की दोबारा इसको देख लें स्टोरी क्या चला रहा है वो कहता है जनाब क्लब का जो सब्सक्रिप्शन है वो जब भी कोई मेम्बर ज्वाइन करता है या उसकी हम रिन्यूअल करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है कि जी तीन साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठी देनी पड़ती है और मेंबर्स देते हैं जी तीन साल की इकट्ठी सब्सक्रिप्शन इसमें वो बताता है कि जी 2018 में 100 लोगों ने ज्वाइन किया उस वक्त सब्सक्रिप्शन थी तीन सालों की साठ हजार तो पर मंथ थी हमने निकाल ली साठ तीन सालों की है तो पर ईयर बन गई बीस हजार इसी तरह दो में जिन लोगों ने ज्वाइन किया उस वक्त सब्सक्रिप्शन थी पर ईयर पच्चीस तो तीन सालों में इकट्ठी पचहत्तर तो हमने जनाब जब इस साल को शुरू किया तो हमने देखा जनाब के इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेंबर ज्वाइन करते हुए तीन साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठी देते हैं तो ज़रूर जब अकाउंटिंग ईयर शुरू होता होगा तो सब्सक्रिप्शन एडवांस में होती होगी तो वहाँ से हमने हिसाब लगाया कि जो दो में जिन लोगों ने ज्वाइन किया वो सौ लोग थे और उस वक्त सब्सक्रिप्शन थी बीस पर ये तो उनकी सब्सक्रिप्शन बनती है दो एंड वी आर डीलिंग 2020 तो इसका मतलब है जब ये 2020 शुरू हुआ तो उनकी एक साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में थी तो हमने जनाब ये कैलकुलेट कर ली 2018 के मेंबर्स की 100 इंटू ट्वेंटी और इसी तरह जब 2019 हज़ार उन्नीस में जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी दो साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में थी तो 140 लोगों ने ज्वाइन किया उस वक़्त रेट हो चुका था पचहत्तर हज़ार की सब्सक्रिप्शन फॉर थ्री ईयर्स तो पर ईयर बन गई तो सौ चालीस इंटू पच्चीस हज़ार इंटू टू तो हमारे पास आ गया टोटल नौ मिलियन की एडवांस सब्सक्रिप्शन फिर आगे वो बताता है कि इस साल वैसे तो हमें पता था 160 लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन बाद में हमें बताया पांच लोगों ने और इन्फॉर्म किया कि जी हमने भी सब्सक्रिप्शन पे की थी लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने उसको प्रोपेड किया इसके बाद टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई वो 165 की थी और इस साल सब्सक्रिप्शन का रेट है नबे हज़ार तीन सालों की सब्सक्रिप्शन तो टोटल कैश जो हमें रिसीव हुआ इस साल एक सौ पैंसठ इंटू नाइन्टी थाउजेंड वन फोर एट फाइव जीरो और हमने एंट्री कर दी जनाब कैश अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट अब जब हमने ये कर लिया तो अब उसने हमें बताया कि जब स्पेशल परमिशन पे दस लोगों ने और भी क्लब ज्वाइन किया है लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हमें इसका मतलब है कि दस लोगों की सब्सक्रिप्शन तीस हजार के हिसाब से पर ईयर रिसीवेबल है ईयर एंड पे तो हमने उसको यहाँ पे बुक कर लिया एंट्री हमने की सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट और चूँकि रिसीवेबल एसेट है हमने उसको यहाँ पे एसेट में रिपोर्ट कर दिया थ्री हंड्रेड इन एसेट इसके बाद जनाब हमारी कैलकुलेशन ये बनी <coughs> कि जनाब जो सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स जिन्होंने इस साल ज्वाइन किया और उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन दे दी वो एक सौ पैंसठ लोग थे दस लोगों ने तो दी नहीं तो एक लोगों ने जब नब्बे हज़ार सब्सक्रिप्शन इस साल दी तो वो इस साल की और आने वाले दो सालों की है तो इसका मतलब है इनकी दो साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस है ये रेंट पे तो हमने एक सौ पैंसठ इन पर ईयर सब्सक्रिप्शन इं टू ये एडवांस ले ली इसी तरह 2019 के जो लोग थे उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन पे की वो 2019, 20 और 21 के लिए थी इसका मतलब जब 2020 खत्म हुआ तो उनकी भी एक साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस थी तो हमने जनाब एक मेंबर्स पर ईयर सब्सक्रिप्शन 25 तो ये भी एडवांस आ गई अब 2018 में जिन्होंने ज्वाइन जौन किया उनकी कोई एडवांस नहीं थी 2018 की थी 19 की थी और 20 की थी इसलिए हमने उनकी एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं ली नाउ और ये हमने कहा कि ये सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी है तो हमने इसको यहाँ पर अपनी लाइबिलिटी भी बना लिया तेरह तो ये पूरी स्टोरी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है इसको अब टोटल कर लें अगर हम तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और वो बैलेंसिंग फिगर किसकी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की के सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कितनी बने तो टोटल कर लें कितना जीरो सेवन फाइव जीरो सो दैट इज सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर दस हजार सात सौ पचास तो ये हम कहा लिख देंगे जी अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहली इनकम है हमारी सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर और ये है जनाब वन जीरो सेवन फाइव जीरो नहीं, 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 नहीं ये थी हमारी दूसरी एडजस्टमेंट वन जीरो सेवन फाइव जीरो एयर की सब्सक्रिप्शन जिसमें से इतनी रिसीवेबल है इतनी एडवांस इट। ले जी आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहते जी सी जी सी क्लब जो है हैड रिसीव्ड अ डोनेशन ऑफ रुपीज एट मिलियन कह दो हजार आठ में उन्नीस में हमें आठ मिलियन का सब्सक्रिप्शन डोनेशन मिला और जिसका मकसद था रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर यानी कि वो स्पेशल स्पेसिफिक पर्पस फंड था डोनेशन था कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपने कराने फॉर द गोल्फ कोर्स आउट ऑफ द टोटल डोनेशन द क्लब हैज स्पेंट ₹2.2 मिलियन एंड 2.8 मिलियन इन 2019 एंड 2020 इसका मतलब है पिछले साल डोनेशन मिली 2019 में तो आपने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट डोनेशंस क्रेडिट कितने की आठ मिलियन है जी अगर मैं यहाँ पर डोनेशंस के बारे में हम बात करें तो हम कहते हैं जी डोनेशन की स्टोरी ये है कि रिसीव्ड इन 2019, तो हमारे पास 2019 के कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया होगा और डोनेशन को आपने क्या कर दिया होगा क्रेडिट फिर 2019 में आपने कोई रिपेयर्स करवाए दो शरिया दो मिलियन के तो आपने क्या एंट्री की होगी कैश अकाउंट क्रेडिट और ये जो आपने फ़ंड बनाया है रिपेयर फंड डोनेशन का उसको आपने डेबिट कर दिया होगा इसका मतलब है हमने रिपेयर्स करा दिए और कितने के करा दिए 2200 के माइनस हो गया डोनेशन में बाकी कितना बच गया तो कहते जी बाकी बच गया 5,800 हजार आठ सौ पांच हजार आठ सौ जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो हमारे डोनेशन का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो पांच हजार आठ सौ ऐसे ही फिर इस साल आपने कितने खर्चे कर दिए और दो शर्या आठ मिलियन का और रिपेयर करा ली तो फिर वही एंट्री भी होगी ये हो गया दो हजार उन्नीस तो दो हजार उन्नीस के एंड पे और ये आ गया 2020 का ओपनिंग बैलेंस इस साल आपने फिर दो हजार दो सौ दो शरिया आठ मिलियन की रिपेयर्स करे वही एंट्री करी होगी हमने रिपेयर्स टू कैश ठीक है कितने के आगे जी दो हजार आठ सौ भाई कितना बज के जनाब इसका मतलब आपका स्पेशल पर्पस डोनेशन जो है फंड जो है रिपेयर फंड उसका बैलेंस बचता है इस साल के एंड पे तीन हज़ार और आपके कैश में से रिपेयर के लिए जो पैसे निकल गए हैं वो कितने हैं जनाब कितना दो हज़ार आठ सौ दो हज़ार दो सौ नहीं मैं लिख रहा समझ आ रहा ना क्यों नहीं लिख रहा मैं दो हज़ार जो है दो सौ वो पिछले साल की पेमेंट है उसको इस साल नहीं रिकॉर्ड कर लेना ठीक है ना वो एग्जामिनर चाह यही रहा है कि आप ये भी रिकॉर्ड कर जाएं 2200 भी रिकॉर्ड कर जाएं तो जैसे ही आपने 2200 रिकॉर्ड करता है तो बस स्टोरी खत्म एग्जामिनर ठीक अगर आपने ये दोनों रिकॉर्ड कर दी इस साल तो काम खराब हो जाएगा और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि चूंकि रिपेयर्स के लिए फंड है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं बना लेना मेरे जान ये ना हो कि इसको आप पी एंड एल में एक्सपेंस हो इसकी हम क्लोजिंग किसके साथ कर रहे हैं फंड के साथ कर रहे हैं मतलब हमने एंट्री क्या की हमने जनाब रिपेयर खर्चे किए टू कैश लेकिन उस रिपेयर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ क्लोज नहीं कर रहे हम उस रिपेयर को फंड के साथ क्लोज कर रहे हैं। तो तो फंड डेबिट क्रेडिट यहां से माइनस हो रहा जितने भी रिपेयर आप कराएंगे उसको आपने किसके साथ क्लोज करना है उस फंड के साथ जो आप कैरी कर रहे हैं जिसको आठ मिलियन का आपको फंड मिल रखा है ठीक हो गया इसका मतलब है कि हम अगर यहां पर आए <clears throat> तो यहां पर जो स्पेसिफिक रिपेयर फंड है उस पर कितना बैलेंस बच गया कहता है जी उस पर बैलेंस बच गया कुछ तीन हज़ार और पेमेंट आपने कैश में रिकॉर्ड कर लिया दो हज़ार आठ सौ की दैट्स इट बस यही करना है हमने इसके डन आगे चलते हैं जनाब नेक्स्ट कहते जी क्लब जो है स्टार्ट परचेजिंग गोल्फ किट्स इन 2020 ट्वेंटी फॉर सेल एज वेल एज फॉर रेंट पर काम शुरू कर लिया उन्होंने बार शुरू कर दी जैसे नॉर्मल क्लब में बार होती सो so, इधर से भी इनकम आएगी अब 20% ऑफ द परचेज वर अनपेड एट द ईयर एंड कहता जी 20% का जो परचेज थी परचेज का वो उसके पैसे नहीं दिए गए इसका मतलब ये पेबल स्टैंड करते हैं आप है जी 2/3 ऑफ द गोल्फ किट परचेस मेड इन 2020 हैज बीन एडेड टू द इन्वेंटरी ऑफ गोल्फ किट्स फॉर सेल कहता है जितनी भी आपने परचेज की है ना इसका दो बटा तीन आपने बेचने के लिए रख लिया तो बाकी एक बटा तीन क्या जी वो आपने रख लिया किराए पे देने के लिए हो तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई जान परचेज की नहीं है हाउ मच इज द परचेज ठीक तो कहते ये कहां से मिलेगी आप देखें जरा तो कहीं से पेमेंट मिल जाए हमें कहीं से 20 परसेंट पेएबल मिल जाए तो हम स्टोरी चला सकते हैं ना दो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं कि अगर हमें वो बता दे कि ये जो 20 परसेंट रिमेनिंग पेएबल है ये कितना है तो कहीं आगे जाके बता दे ठीक तो अगर हमें उसने पेएबल बता दिया तो उसको हम पॉइंट टू से डिवाइड करेंगे तो परचेज आ जाएगा और अगर उसने हमें पेमेंट बता दी फॉर एग्जाम्पल ये पेमेंट इतनी हुई तो एटी पे हुई होगी अब उसको पॉइंट एट से डिवाइड कर दें तो परचेज आ जाएगी तो so, दो कोई एक क्लू हमें अगर मिल जाए क्योंकि इस एडजस्टमेंट के अंदर हमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा कि हम पेबल निकाल सकें बस ये पता जरूर चल रहा है कि जो सिचुएशन है जो उसने सिचुएशन डिज़ाइन की है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमें परचेज़ मिल जाए इफ़ वी नो द परचेज तो परचेज जितनी भी होगी उसका दो बटा तीन जो है वो बेचने के लिए फॉर सेल है और इसका एक बटा तीन जो है वो किराए पे देने के लिए अगर आप इस पूरी एडजस्टमेंट को पढ़ें तो इसमें से यही इंफॉर्मेशन मेन निकल रही है कहता जी बीस परसेंट अभी तक आपने पे नहीं किया है ठीक और जितनी भी परचेज होगी उसका दो बटा तीन बेचने के लिए और एक बटा तीन किराए पर देने के लिए लेकिन वी हैव नो इज द परचेज ठीक अब अगर हम देखें एडजस्टमेंट नंबर छः में देखें तो वहाँ पे आपको एक हिंट मिलता है कहता है जी गोल्फ किट्स परचेजेस एडजस्टमेंट नंबर छः के अंदर एक उसने टेबल सा बना के लिखा हुआ है जी रिसीट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग ईयर कहता है जी आपने कुछ रिसीट्स हैं और कुछ पेमेंट्स हैं अब उसे नहीं बताया कौन सी रिसीट है कौन सी पेमेंट है, सी है। जी तो अब आपने खुद अंदाजा लगाना है कौन सी रिसीट है कौन सी पेमेंट है जैसे सबसे पहले लिखता है रेंट ऑफ गोल्फ तो क्या लगता है आपको पेमेंट है कि रिसीट रिसीट है सर। रिसीट है सर जर। जरा रेंट आ रहा है गोल्फ किट उसने ऊपर बताया कि हम गोल्फ किट किराए पर देंगे तो जब रेंट ऑफ गोल्फ किट्स है तो इसका मतलब इनफ्लो आ रहा होगा इसका मतलब कैश हो गया डेबिट रेंट गोल्फ किट्स कितने से जनाब 650 का किराया आ गया हमारे पास ऐसे ही अब ये 650 जो है इनकम भी है आपकी साधारण सादा इनकम में लिख दें रेंट ऑफ गोल्फ किड्स एंड दैट इज 650 देख लेंगे अभी सवाल हमने पूरा नहीं पड़ा पता लगा कि जहाँ कुछ गोल्फ किट्स कहीं हैं उनका किराया आने वाला तो रिसीवेबल भी आ सकता सही हो गया अगर ना आया तो इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे छः ठीक इसके बाद जनाब दूसरी हेड वो बताता है आपको गोल्फ किट परचेजेस अब ये पेमेंट लग रही नेचुरली और ये हमें क्लू मिल गया है यहाँ पे परचेजेस गतने की जनाब ये है जी चार हजार आठ सौ इस की पेमेंट सप्लायर को पेमेंट कितनी की है चार हजार आठ सौ इसका मतलब है कि हमें पेमेंट मिल गई तो परचेज कितने की हुई हुई हम कहते हैं जी डिवाइडेड बाय पॉइंट एट कितना आ गया इसका मतलब छह हजार की चार हजार आठ सौ को हमने पॉइंट एट से डिवाइड किया तो छह हजार आ गया इसका मतलब इस साल जो परचेज हुई है वो 6,000 हजार है और इसमें से पेबल कितने के तो हम कहते हैं जी छह हजार की परचेज आ गई माइनस चार हजार आठ सौ आपने पे कर दिया बारह ये कितना था यार मिट गया यहां पे तेरह हजार चार सौ नाइन नाइन डबल जीरो प्लस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड था ना? चार सौ ये तेरह चार सौ जी पेबल भी आगे बारह सौ के अब जना परचेज आ गई आपके पास कितनी छः हजार तो छः हजार का दो बटा तीन जो है कि कितना बन गया चार हजार और एक बटा तीन कितना बन गया दो हजार ये किसके लिए है ये सेल के लिए है और ये किस लिए है ये किराए पे देने के लिए अब वो इंफॉर्मेशन पूरी होगी उसमें फिगर्स आ गई जो वो पहले बात कर रहा था कि दो बटा तीन और एक बटा तीन जो है स्टोरी चला रहा था वो आपसे अब दोबारा उधर चले जाए कहते सी जी सी स्टार्टिंग गोल्फ्स गोल्फ किट्स इन ट्वेंटी ट्वेंटी इस साल ही शुरू किया और बेचने के लिए और किराए पे देने के लिए ट्वेंटी परसेंट ऑफ द वर अनपेड एट एंड अब ये देखे इसको बारह सौ हमने मिल गया जो 20 परसेंट था वो बारह था ठीक और फिर वो लिखता है कि जनाब जितनी परचेज किया ट्वेंटी ये चार हजार की जो है वो फॉर सेल है और जो बाकी है नेचुरली इट इज फॉर रेंट है जी ठीक हो गया अब अगली इंफॉर्मेशन है कहते किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट प्लस फोर्टी परसेंट कहते ये जो किट्स हमने रखी हैं बेचने के लिए इस पर हम चालीस परसेंट का मार्कअप ऐड करते हैं और कैश पे बेचते हैं क्रेडिट क्रूडिट सेल कोई नहीं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स फॉर सेल अमाउंटिंग टू रुपीज वन मिलियन लोज बड़ी सादा सी होगी बात तो हमने कही तो काम बड़ा क्लियर हो गया सेल ऑफ गोल्फ किट्स हैं जी कितने की आई तो कहते हैं बड़ी ज़्यादा सा टोटल जो हमने एलोकेट की थी वो थी चार हज़ार कहते हैं इसमें से एक हज़ार क्लोजिंग इन्वेंटरी गई वन थाउजेंड जो थी वो क्लोजिंग इन्वेंटरी गई तो वो तो इधर भी आ जाएगी हाँ जी किट्स इन्वेंटरी कितने की आ गई जनाब एक बाकी बचा तीन चालीस परसेंट के मार्कअप से बेची वन पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई करो जी है ना मजेदार दो सौ एंट्री बनेगी क्या एंट्री बनी और कैश पे बिकता है कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट तो इधर आ गया जी सेल ऑफ गोल्फ कैट्स इतने की सेल की हमने

एट थर्टी परसेंट ऑफ देर और जी क्या स्टोरी सुनाई कहता जनाब ये जो आपने किराए के लिए रखी हुई थी वन बाय थ्री फॉर रेंट तो ये तो आपके नॉन करेंट एसिड में आ गए ऐसे ही दीज आर द किट्स कितनी आ गई दो हजार शुरू में जो आपने एलोकेट की रेंट के लिए वो दो हजार की थी किट्स फिर आपने कहा ये जो हज़ार बचा है ना इसको भी ट्रांसफ़र कर दें हाफ इसका मतलब ये यह यहाँ से क्रेडिट होगा माइनस पाँच सौ हो गया हाफ पाँच सौ बनेगा इसको क्रेडिट करें और ऊपर किट्स फॉर रेंट जो है उसको आपने डेबिट कर दें जब आप उसको डेबिट करने लगे ना तो उसने कहा कि ये जो कॉस्ट है इनकी उसका तीस परसेंट से यही लिख रहा है ना तो इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ द किट्स तो ये हाफ ऑफ द किट्स हो गए इधर से उठाया इधर ले आए जमा पांच है हैं जी हो गया ट्रांसफर फिर आगे लिखता है फॉर रेंट एट थर्टी परसेंट ऑफ देयर कॉस्ट इनकी कॉस्ट क्या थी एक हज़ार उसका थर्टी परसेंट कितना बनता है तो हम कहते हैं इसका थर्टी परसेंट लें सौ का तो ये बनता है एक सौ पचास एक सौ पचास ही बनता है इसके बाद 350 का लॉस आ गया इसके ऊपर तो क्या करें माइनस एम सौ पचास 500 माइनस 350 यही करेगा ना एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर लॉस ऑन कैट्स कितने का जी 500 सो जेरो पॉइंट सेवन तीन सौ पचास इंटरेस्टिंग एंट्रीज है छोटी छोटी सी बातों पे दो दो एंट्री क्या किया उसने इसको दोबारा देखें क्या कह रहा है आपने जो किट्स ली दोनों एडजस्टमेंट को मिला के देखें वेरी गुड एडजस्टमेंट कहता जी आपने चार हजार देखें स्टोरी कितनी मजेदार बनाई कहता जनाब बीस परसेंट पेबल है, है जी, वो स्टोरी शुरू करता है यहां पर आपने गलत किया सारी एडजस्टमेंट दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे ठीक कहता है ट्वेंटी परसेंट अनपेड है और यहां से वो बात शुरू करता है इधर से पूरी स्टोरी यहां से शुरू होती है कि आपने जो पेमेंट की है वो 4,800 की है जो कि 20 परसेंट अनपेड है तो हमने 4,800 को पॉइंट एट से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया 6,000 की परचेज कहता है इसमें से दो बटा तीन सेल के लिए है तो ये सेल के लिए आ गया एक बटा तीन किराए के लिए है ये किराए के लिए आ गया एसेट्स में आ गई जिनसे किराया लेंगे आप ऐसे है। कहते ये जो सेल के लिए थी इसमें से एक हज़ार की कोई नहीं बिकी तो हमने माइनस कर दी और जो हम बेचते हैं वो कैश पे बेचते हैं विद द फोर्टी परसेंट मार्कअप तो हमने वन पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई कर दी और सेल प्राइस आ गई और हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया ठीक अब वो कहते हैं ये जो चीज़ें बची थी जो आप इन्वेंट्री में ले गए हज़ार की इसमें से हाफ इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हमने यहाँ से 500 माइनस किया इधर 500 ऐड कर दिया लेकिन थर्टी परसेंट ऑफ देयर कॉस्ट पे इसको सत्तर परसेंट का लॉस ले लें तो जब हमने सत्तर परसेंट का लॉस लिया तो वो तीन सौ पचास आया इधर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट तीन सौ पचास सही हो गया ये टोटल सारी एंट्रीयां ये हो गई सही है चले आगे हाँ जी आ गई समझ क्लियर ना करना रेंट पे वापस आ जाती है शर्ट भाई की मतलब तुम बेचिया थोड़ी वही शर्ट अगली दफा किटे रेंट पे नहीं दोबारा देनी तो बेची नहीं तू वो कंफ्यूज कर रहे हैं तू ये कह रहे हैं कि दो हजार की थी तो छः सौ पचास समय आया है तो बाकी तेरह बारह सौ पचास तेरह सौ पचास अभी रहता है तो हमें नहीं पता ना भैया रेंट पे गई हैं तो कितना रेंट बनता है कुछ बताया तो हम करेंगे अदरवाइज तो नहीं लिख सकते ना बिकी तो है नहीं वो तो रेंट पे गई हैं वापस आ जाएंगी फिर रेंट पे जाएंगी यही कमा रहे हो ना उससे रेंट कमा रहे हो ले आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट छठी जिसमें से हम रेंट ऑफ गोल्फ किट्स छः सौ पचास लिख चुके गोल्फ परचेज लिखे एनुअल इंश्योरेंस कहते हैं कि जी छः लाख साठ हजार ये भी पेमेंट होगी इंश्योरेंस सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड सिक्सटी सॉरी सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी थाउजेंड ये भी कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गई और एक्सपेंडिचर में आ जाएगी इंश्योरेंस कितने की जनाब कहते जनाब ये एनुअल इंश्योरेंस है और ये अप्रैल 2021 तक पे हुई है जी एनुअल इंश्योरेंस पेड अप्रैल 21 तो कितनी बनी 660 कितनी इसमें पेमेंट रीपेमेंट आ गई 12 से डिवाइड करें और चार से मल्टीप्लाई कर दें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करो क्या दो 220 इसका मतलब इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस है 220 की और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट भी होता है ना प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस कितने बना 660 माइनस 220 अच्छा 220 आ गया और यहाँ पे आ गया 400 440 ले जी आगे क्या होता है जनाब <coughs> अगली एडजस्टमेंट है हमारे पास सैलरीज कितनी पेमेंट हुई है जनाब 2,800 ये भी एक्सपेंस इधर आ गया पेमेंट सैलरीज 2,800 इसमें वो लिखता है जनाब के 3,50,000 जो थी वो पिछले साल की थी तो इस साल की कितनी बनी है 2,800 माइंस 3,50,000 ये तो पिछले साल का था, वो करने। इस साल का का था वो वो इस कितना बना 2,800 ही होगी आपने िटी पे ऑफ की अदर एक्सपेंसेस टू थ्री टू जीरो अदर एक्सपेंसेस पहले इधर पेमेंट डाल लें इसके अंदर अदर एक्सपेंसेस टू थ्री टू जीरो कोई एडजस्टमेंट नहीं है कुछ नहीं पता है सर टू थ्री टू जीरो कहते क्लब हैज अ फेडिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एनी कैश डिफिशेंसी मैक्सिमम ऑफ रुपीज टू मिलियन इज रिकवरेबल अंडर द पॉलिसी कहता जी उन्होंने इंश्योरेंस करा रखी है एम्प्लॉज के फ्रॉड के अगेंस्ट फेडिलिटी इंश्योरेंस तो अगर अब आप, आप इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर फाइंड करेंगे कि कितना कैश खुर्द बुर्द हो गया तो जितना भी होगा उसमें से दो मिलियन आपको रिकवरी हो जाएगी ओवर एंड अबव आपका लॉस इसका मतलब ये है ठीक तो अभी हम इसको फाइनल करते हैं कितना पैसा हमारा गया फारग हुआ इसके अलावा कहते हैं फिक्स एसेट एट फर्स्ट जनवरी 2020 ट्वेंटी ट्वेंटी पच्चीस मिलियन के आगे 25 मिलियन के 25,000 ठीक हो गया जी ऑल फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 15 परसेंट पर चलो जी पंद्रह परसेंट इसका ले लें डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास 25 मिलियन इंटू पंद्रह परसेंट कितना आगे थ्री सेवन फाइव जीरो से माइनस हैं जी थ्री सेवन फाइव जीरो इसके अलावा इन किट्स के पेपर भी डेप्रिसिएशन ले लें ले, जो आपने किराए पर रखी हुई इनकी कितनी डेप्रिसिएशन आती है जरा 2000 का 15% परसेंट कितना बन गया जितना दो हजार इंटू पॉइंट तीन सौ लो जी ये किट्स की डेप्रीशन हो माइनस तीन सौ ठीक हो गया दो हजार के किट्स थे जो आपने किराए पे देनी शुरू की बाकी जो डेढ़ सौ आपने पाँच सौ जो ऐड किया वो ये एंड पे किया तो वो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं हम लेंगे अदरवाइज वो ले भी सकते हैं लेकिन टेक्निकली नहीं लेनी चाहिए है ना ले जी. इसके बाद क्या लिखता है जनाब बात जी खत्म हो गया सवाल अब आप सबसे पहले इस अकाउंट को बैलेंस करें यहाँ से हमें पता चलेगा कि भाईजान अकाउंटेंट साहब ने फ्रॉड अमाउंट कितनी हाउ मच इज दिसोप्रिएटेड अमाउंट चार हजार छ सौ बीस तो फ्रॉड अकाउंट डेबिट है जी कैश अकाउंट क्रेडिट ऐसे ही होगा ना तो यहां पे हम लिख देते हैं जी लॉस ड्यू टू मिस एप्रोप्रिएशन ड्यू टू फ्रॉड ठीक कितना है चार हजार छ सौ अब वो कहता है हमने इंश्योरेंस करा रखी है फिडेलिटी इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉज और उसमें हमारी जो लिमिट है वो ये है कि कोई दो मिलियन रिकवरेबल इसका मतलब इसमें से दो हजार जो है दो मिलियन जो है वो हमारा रिकवर हो जाएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे इंश्योरेंस क्लेम डेबिट फ्रॉड ड्यूटी लॉस क्रेडिट विद टू थाउजेंड और ये दो हजार किधर आ जाएगा एसेट्स में आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम ये मिल जाएगा आपको कितने का दो हजार सही हो गया इसका मतलब लॉस कितना बच गया बाकी दो हजार छ सौ बीस टू सिक्स टू जीरो इसका मतलब ये रेंट इतना ही है छह सौ पचास ही लो जी. ये इनकम आ गई ये टोटल एक्सपेंस आ गई वन फाइव सिक्स डबल जीरो इसको भी टोटल कर लो टू सिक्स टू जीरो प्लस थ्री फिफ्टी प्लस फोर फोर्टी प्लस टू फोर फाइव जीरो प्लस टू थ्री टू जीरो प्लस थ्री सेवन फाइव जीरो प्लस थ्री हंड्रेडल टू लो जी दिस माइनस दिस थ्री थ्री सेवन जीरो लो जी सर प्लस आगे सरप्लस थ्री थ्री सेवन जीरो लो अब यहाँ पर फिक्स एसिड कितने आगे आपके पास पच्चीस हजार माइनस तीन हजार सात सौ पचास टू वन ये कितनी बच गई अठारह पचास इंश्योरेंस क्लेम आ गया दो हजार का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल तीन लाख किट्स ऑफ इन्वेंट्री पांच सौ ऐसे ही प्रीपेड इंश्योरेंस 220 बैंक चार हजार यही है ना टोटल ऐसे नहीं टोटल कितना बन गया इन सब ऐड एडअप कर लें देख सारे कर लिए थ्री तीस हजार तीन सौ बीस अभी इधर आ जाए जनाब पेएबल्स हैं आपके बारह सौ एडवांस सब्सक्रिप्शन तेरह चार सौ जो दो ही लाइबिलिटी थी ठीक है फंड फॉर स्पेसिफिक रिपेयर तीन हजार तीन सौ सात जनरल फंड आपका यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाए है, ये भी निकाल रहा है ना आपने जनरल फंड तो तेईस हजार तीन सौ बीस में से इन सब को माइनस कर दें तीस हजार तीन सौ बीस माइनस बारह सौ माइनस तेरह चार सौ माइनस तीन हजार माइनस तेतीस सत्तर नाइन थ्री ये जी जनरल फंड है एट द स्टार्ट नाइन थ्री फाइव जीरो इज द जनरल फंड तो देख लें जनाब इसको सही हो गया वो तीन सौ सत्तर आस ओवर इनको साढ़े को कि तीन हजार तीन सौ सत्तर उसकी तीन सौ सत्तर आ रही सही वहां वन टू टू ये पर फिर भी फर्क नहीं गया तीन सौ सत्तर मिस कर और यार ये मिस कर दिया ना आपने सेल ऑफ किड्स इसकी कॉस्ट भी तो माइनस कर ली जो किड्स बेची उसकी कॉस्ट नहीं माइनस की वो कितना है तीन हजार अब इसको टोटल करें हो गया पंद्रह हजार दो सौ तीस अब आपका 370 आएगा सो, सो सरप्लस है 370 3070 अब देखें जनरल फंड कितना था 370 था जनरल फंड तो, सरप्लस ठहर जो अब सरप्लस बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है 30320 हाँ जी ठीक है बारह तीन अब आ गया ठीक बारह हजार तीन सौ पचास जनरल फंड आएगा आपके पास बारह हजार ये आपको पता है ना आप वर्किंग वैसे भी निकाल सकते हैं शुरू के एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मुझे सारा सवाल ठीक करें इसको आखिर में बैलेंसिंग फिगर निकाल ये ज्यादा आसान तरीका है <laughs> नहीं ये था जी हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर लो जी आप कल क्या करना जी हमने नहीं वो आप लोग जो कहेंगे वही करेंगे है कोई प्रॉब्लम वो कर ले क्योंकि अभी एपीएस तो अभी अभी किया था उन तो रिवाइज करने का कोई है कोई मोडल ई पी रिवाइज करने ई पी हो गया आई एस एट हो गया ये तो हमें रिसेंटली किया था और कोई चीज़ करनी हो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी मेरा नहीं ख्याल वो भी हो गया कुछ भी नहीं रह गया एवरीथिंग फिनिश है तैयार भी, भी, भी है सब कुछ कभी हुआ है आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस आपने इतनी जल्दी सिलेबस खत्म कर लिया और सारा कर लिया हो रिवीजन भी कर ली हो कुछ स्किप भी ना किया हो आपने एवरीथिंग है yeah, ना मजेदार बात ये आपके सिलेबस में से निकल गया दिस इज नॉट इन एस ये अब एफ में है जितने भी ये सवाल होंगे अगर आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आईएफआरएस 15 इज नॉट नो मोर इन आई एफ वन सिलेबस वो एफ में चला गया सवाल सब्सक्रिप्शन और, और किट से <laughs> बाकी ठीक <दीग> था सवाल <laughs> दो ही चीजें तो ये तो है ना फिर हर सवाल में एग्जामिनर अगर कुछ शामिल ना करे तो फिर उसके एग्जामिनर होने पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना यार अभी तुमने टेस्ट क्या किया <laughs> वैसे ही लगता है जब तक वो नहीं किए थे तब तक वो भी ट्रिकी थे ना जब आप एक सवाल अकाउंटिंग के सवाल में जैसे ये वाला सवाल है हर सवाल का एक ही है इट अब वो लगता है तो आसान सा था वो करने से पहले ही मुश्किल होता है। तो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अब यही यही गेम पेपर में आपके टेस्ट हो रही होती है क्या कि आप फर्स्ट टाइम जब सवाल को अप्रोच करते हैं तो आपकी अप्रोच क्या है कैसे टैकल करते हैं आप उसको अब देखना आप देखें आप कितने सवाल किए होंगे कि आपने ठीक अगर अब आपको ये है कि आप सवाल का सलूशन याद करते हैं तो ये गलत अप्रोच है आप हर सवाल को उसको अलहदा से लें आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर रख के उसको करें वो अगर ना सॉल्व हो तो मुझे आगे बताएं जी क्यों नहीं सॉल्व होगा आपको क्या लगा बेसिक रूल तो वही ना सारे चलना तो उसने वैसे ही है हम लोग क्या कर रहे होते हैं हम लोग ये सोच रहे होते हैं यार किस सवाल चल जाएगा ये गलत करते हैं हम उसको जैसे वो सवाल है उसको वैसे ले चलते जाए ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा आप देखें हमने क्या किया इसमें डबल इफेक्ट डबल एंट्री पूरी रखी है चीज़ों को पढ़ते गए हैं जैसे जैसे वहाँ से डबल एंट्री ड्राइव होती गई है वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं चीज़ें खुद बहुत सॉल्व हो गई अब इस तरह से क्या होगा लेट सपोज हम कहते हैं हमसे गलती भी हो जाएगी कितनी की गलतियाँ हो जाएंगी एक चलो जी दो हो जाएंगी बड़ी मार खाई तीन गलतियाँ कर लेंगे बट स्टिल वी विल बी एबल टू गेट एटलीस्ट सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स इस अप्रोच का ये फ़ायदा ठीक होगा ले जनाब अगली क्लास शुरू हो गई लो सर थैंक यू अल्लाह हाफिज